नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम टैली प्राइम में मल्टीपल लेजर्स कैसे क्रिएट करेंगे वो देखने वाले हैं। यानी कि अगर आपके सामने एक से ज़्यादा लेजर टैली प्राइम में क्रिएट करने को आए तो आप कैसे क्रिएट करेंगे वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर ये कुछ लेजर्स के लिस्ट दिए हुए हैं और वो टैली प्राइम में कौन से ग्रुप में जाएंगे उनके नाम भी दिए हुए हैं। टोटल 10 लेजर्स के नाम दिए हुए हैं और उनके ग्रुप दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंपनी क्रिएट करेंगे टैली प्राइम के अंदर। कंपनी का नाम होगा KBZ प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पालघर से है। कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, मास्टर्स ऑप्शन पे जाएंगे, मास्टर्स के चार्ट ऑफ अकाउंट ऑप्शन पे जाएंगे, लेजर ऑप्शन पे जाएंगे और एंड में हम मल्टी मास्टर ऑप्शन पे जाएंगे, जो कि बटन बार ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं टैली प्राइम में लेजर्स यानी मल्टी लेजर्स कैसे क्रिएट करेंगे, एक साथ ज़्यादा लेजर्स कैसे क्रिएट करेंगे। ये टैली का मेन स्क्रीन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करके लेंगे तो कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, हम कंपनी ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे फिर क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे जिसका नाम है KBZ प्राइवेट लिमिटेड। फिर एंटर मारेंगे एड्रेस में आप टाइप कीजिए पालघर, फिर एंटर मारिए स्टेट में आप टाइप कीजिए MAH महाराष्ट्र, जस्ट सेलेक्ट कीजिए, एंटर मारिए। बाकी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, एंटर और एक्सेप्ट के लिए बोलेगा तो आप एंटर मार के उसे एक्सेप्ट कीजिए। फिर आपके सामने दूसरा स्क्रीन आ गया, वहाँ पे भी एंटर मारिए। GST हमें करना नहीं है इसमें तो हम नो रख देंगे, एंटर और एक्सेप्ट करने के लिए आप एंटर मार दीजिए। तो हमने एक कंपनी क्रिएट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली के मास्टर्स के चार्ट ऑफ अकाउंट ऑप्शन पर जाएंगे, फिर वहाँ पे हमें मिलेगा लेजर ऑप्शन, वहाँ पे जाएंगे बटन बार, ये आपका बटन बार है, वहाँ पे आपको मिलेगा मल्टी मास्टर, उस बटन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए मल्टी क्रिएट ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर जस्ट क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अंडर ग्रुप पूछा है, ऑल आइटम या फिर पर्टिकुलर कोई ग्रुप बनाना होगा उससे रिलेटेड अगर लेज़र बनाने होंगे, पर्टिकुलर ग्रुप के अगर लेज़र बनाने तो यहाँ पे हम स्पेस बार दबा के पर्टिकुलर जो ग्रुप है वो सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे मिक्स ग्रुप है तो हम क्या ले लेंगे, ऑल आइटम, जस्ट सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहला लेजर क्या था, SBI बैंक अकाउंट, यहाँ पे मैंने टाइप किया, फिर इंटर मारिए। अंडर पूछेगा कौन से ग्रुप में जाएगा तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का जो ग्रुप है वो सेलेक्ट कीजिए, फिर इंटर मारिए। फिर बैंक ऑफ इंडिया लेजर है तो आप टाइप कीजिए बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, इंटर मारिए। ये भी कौन से ग्रुप में है, बैंक अकाउंट, तो सेलेक्ट कीजिए, फिर इंटर मारिए। नेक्स्ट थर्ड लेजर क्या था, संदीप अकाउंट, फिर एंटर मारिए। ये कौन से ग्रुप में जाएगा, संडी डेटर, तो आप टाइप कीजिए SUN, तो ये देखिए संडी डेटर आ गया है, जस्ट सेलेक्ट कीजिए और एंटर मारिए, एंटर। फोर्थ लेजर क्या है, गौरी अकाउंट, तो GAURI गौरी अकाउंट, एंटर मारिए। ये अंडर कौन से ग्रुप में जाएगा, संडी डेटर, आप टाइप कीजिए SUN, देखिए संडी डेटर आ गया फिर से, जस्ट सेलेक्ट कीजिए, एंटर मारिए। फिर नेक्स्ट फिफ्थ वाला लेजर क्या है, राजू अकाउंट, जस्ट आप टाइप कीजिए राजू अकाउंट, एंटर मारिए। कौन से ग्रुप में जाएगा, सनडी डेटर ग्रुप में जाएगा, आप सेलेक्ट कीजिए और सनडी डेटर सेलेक्ट कीजिए, एंटर मारिए। सिक्स लेजर क्या है, पप्पू एजेंसी, टाइप कीजिए आप पप्पू एजेंसी, आप एंटर मारिए। कौन से ग्रुप में जाएगा, सनडी क्रेडिटर, आप टाइप कीजिए सनडी क्रेडिटर्स, फिर एंटर मार के आगे जाइए। सेवेंथ लेजर क्या है, राजकमल ट्रेडर्स, आप टाइप कीजिए राज कमल ट्रेडर्स, एंटर मारिए। कौन से ग्रुप में जाएगा, सिंडिकेटर, टाइप कीजिए SUN और सिंडिकेटर को जो है सेलेक्ट करके एंटर मारिए, फिर एंटर मारिए। नंबर एट लेजर क्या है, रेंट अकाउंट, एंटर मारिए। कौन से ग्रुप में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, आप टाइप कीजिए INDI, देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको दिखेगा, सेलेक्ट कीजिए और एंटर मारिए। लेजर नंबर 9 क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, आप टाइप कीजिए SUN सन्ड्री
एक्सपेंसेस अकाउंट, एंटर मारिए, कौन से ग्रुप में जाएगा, इनडायरेक्ट, तो आप टाइप कीजिए आई एन डी आई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको लिस्ट में दिखेगा, सेलेक्ट कीजिए और एंटर मारिए। नेक्स्ट लेजर जो है 10 नंबर का क्या है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, आप टाइप कीजिए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, एंटर मारिए, कौन से ग्रुप में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टाइप कीजिए आई एन डी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कीजिए लिस्ट में से, एंटर मारिए, एंटर मारिए। बस हमारे सामने जो लेजर बनाना था वो 10 था, तो हमने 10 बना लिए हैं। अब एंटर मार के आगे जाइए, एंटर और एक्सेप्ट करने के लिए आप एंटर बटन दबा दीजिए। तो इस तरीके से हमने एक साथ लेजर बनाए हैं। यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जो भी ग्रुप के लेजर्स हैं वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए ये अब आपको क्या करना है, बैक आने के लिए स्केप बटन दबाना है, स्केप बटन, स्केप बटन। मास्टर्स के अल्टर ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे, लेजर ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ देखिए ये सारी लेजर्स के जो लिस्ट हैं, जो नेम है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप उसे अल्टर कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अल्टर डिलीट करने के लिए, लेजर को अल्टर डिलीट करने के लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, आप वो जाके देख सकते हैं कि लेजर्स को अल्टर और डिलीट कैसे करना है। लेकिन अगर आपको एक साथ अल्टर डिलीट यानी एक से ज़्यादा लेजर्स में अल्टर डिलीट करना है, तो आपको जाना कहाँ है, स्केप बटन दबाइए, स्केप बटन दबाइए, फिर वही ऑप्शन पे जाना होगा, चार्ट ऑफ अकाउंट ऑप्शन, लेजर ऑप्शन। यहाँ पे देखिए मल्टी मास्टर ऑप्शन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको मल्टी अल्टर ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, एंटर मारिए, ऑल आइटम पे एंटर मारिए, जो भी लेजर्स हैं वो दिखेंगे, आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। मैं बैक आके स्क्रीन बैक आने के लिए स्केप बटन दबा रहा हूँ, स्केप 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 बटन दबा रहा हूँ, स्केप। ये हम मेन स्क्रीन पर आ गए हैं। तो इस तरीके से हम टैली प्राइम में एक से ज़्यादा लेजर एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।